पाकिस्तान में राजनीतिक संकट नरम पड़ने के बाद अब आम जनता पर एक नया बम फोड़ने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक तरफ तो पाकिस्तान की आर्थिक सेहत पतली हो चुकी है और दूसरी ओर आम लोगों के ऊपर महंगाई का बम फोड़ने की तैयारी हो रही है। अगर संबंधित प्रस्ताव पर अमल किया गया तो पाकिस्तान में एक झटके में डीजल पेट्रोल के भाव डबल हो जाने वाले हैं। पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमतों को रेगुलेट करने वाली संस्था ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी OGRA ने शनिवार से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाने की सिफारिश की है। OGRA का प्रस्ताव है कि पेट्रोल के भाव को 83.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम को प्रति लीटर 119 रुपए बढ़ाया जाना चाहिए। अभी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 1 अप्रैल से 149.86 रुपए थी और डीजल 144.15 रुपए। अगर सिफारिश पर अमल हुआ तो पाकिस्तान में डीजल 250 रुपए और पेट्रोल 220 रुपए के पार निकल जाएगा। खबर के मुताबिक पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल पर GST 70% और लेवी 30 रुपए करने को आधार बनाकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल पर GST की दर 17% है और लेवी 30 रुपए प्रति लीटर। इसके अलावा केरोसिन के दाम 36.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। OGRA के प्रस्ताव पर आखिरी फैसला नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सलाह करने के बाद वित्त मंत्रालय करेगा। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें आज तक।